स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं असम सेट के बारे में। असम ने अपना जो सेट एग्जाम है उसकी डेट्स को अनाउंस कर दिया है, साथ ही जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अभी बात की जाए अगर असम सेट की या सेट एग्जाम्स होते क्या हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले आपको बता दूं कि आने वाले असम सेट के लिए नेट क्रैकर्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च कर रहा है। तो अगर आप असम सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही हमारे ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं ये 10 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो अगर आप ऑनलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली के अंदर आके ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर का हमारा जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो दिल्ली में स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन दोनों ही कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले असम सेट के बारे में। पर इससे पहले बेसिकली सेट एग्जाम होते क्या हैं मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं जो बच्चे इस बात से अवेयर नहीं है कि सेट एग्जाम होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात की जाए अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका पर्पस ये था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंदर ही जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां जो वैकेंसीज आती हैं उनको फुलफिल किया जाए। बट आगे चल के जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी एक सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरह के जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट को बनाया। ऐसे में आप देखिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो थे, लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेल्ट जिसको आप बोलते हैं, ये हमारे सामने आए। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है पर्टिकुलरली इसके लिए जो है टेस्ट को एक बनाया गया जिसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये 26 जून 2000 को इसकी शुरुआत हुई बेसिकली, और अभी हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं ये असम सेट जो है होने वाला है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या इसका पैटर्न है और किस तरीके से ये बेसिकली सेट एग्जाम कंडक्ट होते हैं जिन बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। उससे पहले साथ ही इसके जो सब्जेक्ट हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जाम हो रहा है। देखिए आपको मेरे सामने ये सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, असमी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। इसी के साथ बाकी सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं इस टेस्ट के, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए एक बार जरा, मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरेबिक, ये सब लैंग्वेज हैं। इसी के साथ यहाँ पे लैंग्वेज भी हैं, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और लॉ। इन सब में भी जो है असम सेट कंडक्ट होता है। अब इसके बाद इसका पैटर्न हम एक बार जरा समझ लेते हैं। हम यहाँ पर इसको जब समझेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा, जहां नेट का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराता है पूरा ऑनलाइन फॉर्म में होता है, वहीं सेट एग्जाम अभी तक उसी तरीके से पुराने ऑफलाइन फॉर्म में ओएमआर शीट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पैटर्न अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए पेपर फर्स्ट, वही नेट की तरह 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स हमारे हैं, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं सब्जेक्ट टू की बात, पेपर टू की बात की जाए तो सब्जेक्ट है 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए भी दिया जाता है। सेम एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेट का पूरा पैटर्न यहाँ पर रहता है। बस एक जो डिफरेंस है नेट से अलग वो हमारा ओएमआर शीट वाला डिफरेंस है, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी नेट का एग्जाम दिया है, सेल्ट एग्जाम नहीं दिए हैं, उनको शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको लगता होगा कि ये भी ऑनलाइन कंडक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिंपल आपको दिया गया है कि ओएमआर शीट आपके पास आएगी, 4 ऑप्शन है, आप ब्लैक पेन से एक ऑप्शन को क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। सिंपल एक इसका पैटर्न जो है इधर दिया जाता है। यहीं अब इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नोटिफिकेशन अभी तक मिला नहीं होगा वेबसाइट पे, तो वो कंफ्यूज है इसको लेके। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 9 नवंबर 2021 का, जिसमें कहा गया है कि एग्जाम कंडक्ट होगा 27 फरवरी 2022 के अंदर, और इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो स्टार्ट हो गई है अभी आपकी 11 नवंबर 2021 से, और यहाँ पर आप जो है 28 दिसंबर 2021 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट जो है आप 31 दिसंबर तक लास्ट जो है इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है पूरा का पूरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्कस करी आज सेट एग्जाम स्पेशली असम सेट की। अगर मैं बात करूं तो हाँ, असम सेट के अलावा और बहुत सारे स्टेट अपने अपने लेवल के सेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। समय समय पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ इसी तरह से सेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेट एग्जाम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।